जिस स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़ता है उस स्कूल में बम फिट कर दिया गया है। एक शख्स को आया अनजान फोन। इंदौर में एक पिता को अनजान शख्स का फोन आया। फोन लगाकर उसने कहा, जिस स्कूल में तुम्हारा बेटा पढ़ता है उस स्कूल में बम लगा दिया गया है। शहर में इसकी हड़कंप मच गई। पिता ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने घंटों तक स्कूल का कोना कोना छान मारा। बम की खबर फर्जी निकली। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से बड़ी खबर है। यहाँ किसी अनजान शख्स ने युवक को फोन पर स्कूल को उड़ाने की धमकी दी। ये सुनकर युवक के होश उड़ गए। उसने आनन फानन में डायल 100 को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और एंटी बम एक्टिवेट की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने कई घंटों तक स्कूल का कोना कोना जांचा, लेकिन कहीं बम नहीं मिला। पुलिस का कहना है कि बम की खबर अफवाह निकली। जिस शख्स ने फोन किया था उसकी जांच की जाएगी। साइबर सेल इस मामले में अलर्ट पर है। दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि डायल 100 को अंकित सोनी नाम के शख्स ने बम की खबर होने की सूचना दी। उसने पुलिस को बताया, मेरे मोबाइल पर अनजान युवक का फोन आया। युवक ने कहा कि तुम्हारा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल में बम लगा दिया है, बचा सकते हो तो बचा लो। उसकी बात सुनते ही पुलिस एक्टिव हुई। पुलिस के साथ साथ एंटी बम एक्टिवेट की टीम पल्लहर नगर स्थित गुरुकुल स्कूल पहुंची। पुलिस ने पूरा स्कूल खाली करा दिया। उसके बाद बिल्डिंग को चारों ओर से घेर कर कोना कोना तलाश किया। बहुत देर तक तलाश करने के बाद भी पुलिस को स्कूल परिसर से कुछ नहीं मिला। डीसीपी विनोद कुमार मीणा ने बताया कि बम होने की सूचना मिलते ही हमारी टीम स्कूल में पहुंच गई है। हमने स्कूल के मैन हॉल और कमरों से लेकर चप्पे चप्पे को खंगाला, लेकिन वहां बम जैसा कुछ नहीं मिला। इस बात से साफ है कि बम को उड़ाने की धमकी फर्जी निकली। हम उस फोन की कॉल डिटेल निकालेंगे जहां से ये फोन आया। शख्स ने अफवाह फैलाने और माहौल खराब करने की नीयत से ये फोन किया होगा। हम दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने साइबर सेल को अलर्ट कर दिया है। एरोड्रम थाने में अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं।